हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप सिक्स का काउंटडाउन लेकर आई हूं इस काउंटडाउन में मैं आपको हर प्रोजेक्टर के पॉइंट्स के साथ साथ उसकी वीकनेसेस भी बताऊंगी और उसकी ब्राइटनेस की स्टोन करेक्शन कलर रिप्रोडक्शन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी पिक्चर प्रोजेक्शन डिस्टेंस और ऑडियो को रेटिंग्स भी दूंगी इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ऐसे तो ये सारे ही प्रोजेक्टर्स बजट कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, लेकिन बारीकी से देखा जाए तो इनमें काफी डिफरेंस है टॉप थ्री प्रोजेक्टर्स इतने बढ़िया हैं कि इनके बीच में से बेस्ट को सेलेक्ट करने में हम लोगों को कई दिन लग गए हमने इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन अपनी आंखों से देखा कैमरे के थ्रू नोट किया और फिर कंप्यूटर पर भी चेक किया ये वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बार बार प्रोजेक्टर्स को बदल बदल कर उनका परफॉर्मेंस एक ही कॉन्टेंट पे चेक करने के बाद बनाई है और इसी बेसिस पे मैंने इन सबको रैंकिंग भी दी है इनको अनबायस्ड रैंकिंग देने के लिए मैंने प्रोजेक्टर को पहले टेम्परेली अपने बेडरूम में रखा था लेकिन बाद में मुझे इस पे प्रोग्राम्स देखने की आदत हो गई प्रोजेक्टर पे मूवीज और प्रोग्राम्स देखने का अपना अलग मजा है जो किसी भी टीवी से नहीं मिल सकता है पहले मैं 85 इंचेज एक्स 90 जे लेने वाली थी लेकिन 92 टू इंच की स्क्रीन पे प्रोग्राम्स देखने के बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं अब इससे छोटी स्क्रीन पे मूवीज और शोज देखूं। इसलिए मैंने अपने रूम में प्रोजेक्टर का परमानेंट सेटअप लगा लिया है मैंने अब अपना 65 फाइव इंचेज टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया है रोज रात में मैं इसी स्क्रीन पे मूवीज और शोज देखती हूँ और मेरा यकीन कीजिए कि ये एक्सपीरियंस टीवी से कहीं ज्यादा अच्छा है ऐसे तो मेरा ये रूम 16 फीट वाइड है और 13 फीट लेंथ में है लेकिन मैंने स्क्रीन को इस बीच के आज पे 10 फीट की डिस्टेंस पे ही लगाया हुआ है अब मैं बेड पे आराम से रिलैक्स करते हुए भी मूवीज और शोज इंजॉय कर सकती हूँ आप भी चाहें तो ऐसा सेटअप कर सकते हैं। मैंने कोई होम थिएटर अभी फिट नहीं किया है लेकिन मैं जल्द यहाँ एक साउंड बार इंस्टॉल करूंगी बेटर होगा कि आप आगे और पीछे की ओर स्पीकर सेटअप कर लें, जिससे आपको एक टोटल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके इस सेटअप पे मैंने ऑलमोस्ट 15 प्रोजेक्टर्स ट्राई करने के बाद ही ये वीडियो बनाई है जिससे मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दे सकूं। मैंने यहाँ उन्हीं प्रोजेक्टर्स को इंक्लूड किया है जिनका परफॉर्मेंस इन 15 प्रोजेक्टर्स में बेस्ट था मैंने इन सभी प्रोजेक्टर्स का डिटेल रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है उनकी वीडियो लिंक्स और परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो चलिए अब ये काउंट शुरू करते हैं सिक्स रैंक पे है विविद कंपनी का प्रोजेक्ट इसे मैंने तब टेस्ट किया था जब इसका रिव्यू यूट्यूब पे नहीं आया था इस विविध प्रोजेक्टर को मैंने एमेजोन से ऑर्डर किया था क्योंकि सेलर ने इस प्रोजेक्टर को टेक्नोलॉजी के साथ हाईलाइट किया था लेकिन मुझे इस प्रोजेक्टर के परफॉर्मेंस में कोई ऐसी बात नहीं दिखी जो दूसरे चाइनीज प्रोजेक्टर से इसे अलग बनाती मुझे ये ऑन ए के सेवन मैक्स प्रोजेक्टर ही लगा जिसे विविध नाम से रीब्रांड किया गया है आप में से कई लोग मुझसे इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए बोल रहे थे इसलिए मैंने इसे यहाँ इंक्लूड कर दिया है मैंने जो ग्रे स्क्रीन अपने बेडरूम में लगाई हुई है उस उसपे तो ये प्रोजेक्ट फिर भी ब्राइट दिखता है लेकिन इसकी ब्राइटनेस 130 इंच की वाइट स्क्रीन के लिए काफी कम पड़ जाती है अब आप यही देख लीजिए कि 7500 थाउजेंड फाइव जो ऑन कंपनी क्लेम करती है उसके हिसाब से इसे ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर होना चाहिए था और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी ब्राइटनेस कम है

उनमें वो शार्पनेस नहीं मिलती है जो पिक्चर्स को क्लियरिटी ग्रांट करती है प्रोजेक्टर्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग शार्पनेस ब्राइटनेस कलर और कंट्रास्ट सेट करने की जरूरत पड़ती है लेकिन क्योंकि इसमें यूजर सेटिंग्स दी ही नहीं गई हैं, इसलिए ना आप डार्क पिक्चर को ब्राइट कर सकते हैं और ना ही उसकी शार्पनेस को कंट्रोल कर सकते हैं प्रीसेट मोड्स में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं मिल पाता है अगर इस प्रोजेक्टर में अच्छी ब्राइटनेस और यूजर सेटिंग्स दी गई होती तो शायद ये एक अच्छा प्रोजेक्टर बन सकता था ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो बहुत ही बढ़िया है जिसे बजट प्रोजेक्टर्स में वन ऑफ द बेस्ट कहा जा सकता है फिफ्थ रैंक पे है ऑन ए के सिक्स ये एक साल पहले का बेस्ट प्रोजेक्टर हुआ करता था लेकिन अब इससे कुछ बेटर है और अब जब इससे ब्राइट प्रोजेक्टर्स मार्केट में आ चुके हैं तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम लगती है और पिक्चर्स का कलर रिप्रोडक्शन भी उतना वाइब्रेंट नहीं लगता है इसके अलावा एक पिंकिश टोन पिक्चर्स को ओवर करती दिख है फोर्थ रैंक पे है टॉन्जो कंपनी का एल एस फाइव ट्वेंटी फाइव प्रोजेक्ट यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय टॉन्जो एल एस फोर एटीन और टॉन्जो एल एस फाइव ट्वेंटी फाइव बजट कैटेगरी के ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स हैं इस एल एस प्रोजेक्टर की खासियत ये भी है कि इसे आप कहीं साइट से भी अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका की स्टोन करेक्शन प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है जब मैं टेम्प्रेरी सेटअप करके साइट टेबल से स्क्रीन पे प्रोजेक्शन कर रही थी तो इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्टर ने मुझे परफेक्ट स्क्रीन नहीं दी इसके अलावा ये कम डिस्टेंस से भी और प्रोजेक्टर्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ी स्क्रीन बना लेता है टेन फिट की दूरी से भी ये आपको हंड्रेड इंच की स्क्रीन बना देगा जो दूसरे प्रोजेक्टर्स नहीं दे पाएंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है ब्राइटनेस और कलर भी अच्छे हैं। इस प्रोजेक्टर पे आपको ब्राइट कलर्स देखने को मिल जाते हैं बस इसपे वर्ड्स की क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है ऑब्जेक्ट्स की एजेस एक सॉ की तरह थोड़ी जैजी दिखती हैं। इसमें आपको कलर टेम्परेचर बदलने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो सिनेमैटिक लुक नहीं मिल पाता है जो वॉर्म मोड में मिल जाता है ऑडियो की बात की जाए तो वो एवरेज ही कहलाई जाएगी कई वीडियोस में काफ़ी अच्छी ऑडियो मिल जाती है जबकि कुछ में ऑडियो लो हो जाती है थर्ड रैंक पे है जेब्रॉनिक्स का प्रोजेक्टर जिसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार है इसमें आपको अच्छी शार्पनेस ब्राइटनेस डिटेल क्लियरिटी और सिनेमैटिक कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है लेकिन इस प्रोजेक्टर का कौन ये है कि इसका कीस्टोन स्टोन करेक्शन बहुत बढ़िया नहीं है इसमें फोर पॉइंट की करेक्शन नहीं मिलता है एक्सट्रीम साइड से प्रोजेक्ट करने पे परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्क्रीन नहीं मिल पाती है और ये प्रोजेक्टर कम डिस्टेंस से ज्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं बना पाता है मेरे बेडरूम में टेन फिट की दूरी पे लगी ये 92 टू की स्क्रीन को ये प्रोजेक्टर पूरा फिल नहीं कर पाता है जबकि दूसरे प्रोजेक्टर्स कर देते हैं ये टेन फिट की दूरी से केवल एटी टू इंच की स्क्रीन ही प्रोजेक्ट कर पाता है सेकेंड रैंक पे है टॉन्जो का एल एस फोर एटीन प्रोजेक्टर इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस कंट्रास्ट और कलर रिप्रोडक्शन सब बहुत ही बढ़िया है इसकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है साथ ही साथ इसका करेक्शन बहुत बढ़िया है आपको इसके थ्रू परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्क्रीन मिल जाती है बस इस प्रोजेक्टर में एक ब्लू टिंट ओवरपावर करती दिखती है जो कलर रिप्रोडक्शन को कभी कभी थोड़ा आर्टिफिशियल बना देती है जैसे कि आप देख सकते हैं इस ब्रिज के एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर पे चढ़ी ये ब्लू टेंट एल्यूमिनियम को एक आर्टिफिशियल लुक देती है है लेकिन इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी पूरी इमेज हर तरफ से शार्प और फुल फोकस में दिखती है अगर इसके कलर रिप्रोडक्शन में ब्लू ओवरपावर्ड नहीं दिखता तो ये टॉप प्रोजेक्टर होता ऑडियो की बात की जाए तो इसकी ऑडियो बहुत ही अच्छी है ऑन एके सेवन मैक्स और ये वाला प्रोजेक्टर बेस्ट ऑडियो परफॉर्मेंस देते हैं टॉप पे है जेटको कंपनी का S2 या फिर उसे S4 कह लीजिए S4 फोर एंड्रॉयड वर्जन है जबकि S2 टू बेसिक वर्जन है दोनों एक ही प्रोजेक्टर्स हैं, इनकी पिक्चर क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है इस जेड को प्रोजेक्टर में आपको बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन मिलता है ये प्रोजेक्टर दूसरे प्रोजेक्टर से ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस करता है जिससे इसके कलर्स बहुत ही नेचुरल होने के साथ साथ वाइब्रेंट दिखते हैं इसमें आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है जो सिनेमा हॉल के बहुत करीब वाली पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है इसका की स्टोन करेक्शन भी अच्छा है लेकिन 10 फीट की दूरी से ये 92 इंच तक की ही स्क्रीन बना पाता है इसी प्रोजेक्टर को मैंने अपने बेडरूम में लगाया हुआ है और हमने इस प्रोजेक्टर की इतनी बढ़िया सेटिंग्स कर ली हैं जिससे इसका परफॉर्मेंस इस 92 इंच की ग्रे स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया मिलता है बिल्कुल टीवी जैसा इनफैक्ट इसका एक्सपीरियंस बहुत ही इंजॉयबल है जिसकी वजह से मैं और हुमा बहुत देर रात तक इस इसपे नेटफ्लिक्स की वीडियो देखते रहते हैं 3D देखने के लिए हम BenQ TH585 यूज कर रहे हैं उसकी वीडियो की लिंक और परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ